अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एचपीएस, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशरफ अली। बालापुर पीएस लिमिटेड के अंदर पानी को लेकर हुआ एक बड़ा झगड़ा। एक शख्स जिसका नाम फारूक बताया गया है, एक उमर नामी 20 साल लड़के को बेरहमाना अंदाज में चाकू से वार कर जख्मी कर दिया, जिसमें वो उमर के घर वालों का कहना है कि लड़के की किडनी और जो है लीवर डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से उसको 80 टाके लगे हैं। अब इसके उसके ऊपर इन घर इसके घर वालों का कहना है, उमर के घर वालों का जो विक्टिम है उसके घर वालों का कहना ये है कि पुलिस इसके अंदर खामोशी अख्तियारी कर रही है और पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों पे फौरी एक्शन करे। और 3 लोगों ने उस पर हमला किया, जिसमें से सिर्फ एक ही शख्स को हिरासत में लिया गया। तो लिहाजा कमिश्नर रचाकोंडा से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस केस पे तवज्जो देते हुए उस गरीब फैमिली की जो है पुलिस को हेल्प करना चाहिए, और जो भी है जो गुंडा आना से जो लोग हैं ऐसे लोगों को जो है फौरी जो है रिमांड करना चाहिए। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना। और जो है वो जो लड़का है जो केसीआर के स्कूल में जो पढ़ने जिसका नाम उमर बताया जा रहा है, 20 साल तालिब इल्म है, उसको जो है इसका मुआवजा मिलना चाहिए। जिसकी वजह से ज़ख्मी हुआ वो गरीब फैमिली है। मामूली सी पानी की बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ, मगर एरिया के लीडरों को भी चाहिए कि वहाँ पानी का बराबर बंदोबस्त करें। और जो है जो मोहरियाँ जो रोड पे कंटिन्यू अक्सर बहते रहते हैं शाहीन नगर बालापुर लिमिट में, अक्सर मोहरियाँ लोगों के घरों के सामने खुले रहते हैं, पानी हमेशा बहते रहता, मगर कोई भी जो है वहाँ पर पुरसाने हल नहीं है। हमारी जो है तमाम लीडरों से भी गुजारिश है कि ऐसे इशू ना हो, आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से पूरा काम अपनी जिम्मेदारी से करें, वरना जो है बस्ती के लोग ऐसा लड़के मरेंगे और जो है ऐसे गुंडे अनासर लोग जो है चाकुआ निकाल के गरीब लोगों पर वार करेंगे। आइए सुनते हैं उसके घर वालों की जुबानी तमाम तफसील। हबीब कॉलोनी में रहते हम ना, शाही नगर में, उमर नाम है। जुम्मे के दिन ऐसा चाकू लेके आके भोंक दिए, कुछ भी बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, थोड़ा पानी आ रहा था घर करने से तो साफ कर लेते बोल के हमला बोल रहे हैं बात करें, पहले मेरे पे हमला करें, उसके बाद छोटे बच्चे पे हमला करें, उसके बाद में बच्चे के ऊपर, बच्चा मस्जिद से आ रहा था, मस्जिद में से निकल रही थी, निकलते के साथ ही भोंक दिए छुरी से लेके आके। ये कब हुआ और ये कौन भोंके है? वो घर के सामने का फारूक बोल के है, वो बच्चा भोंक दिया लेके आके, बच्चा रो रहा है, अब सीरियस है बच्चा। दिल्ली भी कितनी कब हुआ ये? ये जुम्मे के दिन हुआ साहब। करे हम लोग, पुलिस वाले भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमारे को, ये बालापुर के, और एम्बुलेंस भी नहीं दिए वो लोग, हम लोग ऑटो में डाल के लेके आना पड़ा हम लोगों को। ये 10:30 बजे हुआ और जुम्मे के दिन हुआ साहब। तो वजह खाली पानी के वजह से निकाल के चाकू से भोंक दिया उन्हें, और पहले भी दुश्मनी थी उसको, 2-3 बार ऐसी हमला करा उन्हें। ये 4 जनों के ऊपर अटैक करे हमारे घर के। पहले क्या हुआ था जो दिल में रखे? इससे पहले भी ऐसे बच्चा रोता था, मस्जिद में से निकल रहा था, हाथम पैताई करके मारपीट हुई। जब भी हम इससे पहले भी हम लोग नहीं करे ऐसा कंप्लेन, जान दो भाई घर की जगह है ना, बस्ती की जगह, एक जगह रहते उठते बैठते ना बोल के नहीं करे हम लोग। अब हद से ज़्यादा पानी होगा अब ऊंचा, तो आप लोग बोलो ही ना क्या करना है लोग, इसका हाल आपको। अब उन्हें चाकू लेके आए थे, चाकू लेके आके भोंक दिया उन्हें, कार में से ऐसा चाकू निकाला, निकाल के भोंक दिया। कार में आए थे जी? हाँ, कार है उनके घर का, नहीं कार में से निकाले चाकू, निकाल के भोंक दिए। उनके पड़ोसी हूँ जी। हाँ, बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस कंडीशन है, अगर बच्चे को कुछ भी होगा तो साहब आप ला बोलो। उस्मानिया में 2nd फ्लोर पे है, एसी में रखे हुए हैं, जुम्मे के दिन आए हम लोग, 80 टैक लगे। पुलिस की तरफ से क्या मिला रखा अभी? सेक्शन दार रहे हैं लोग, अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे लोग, नहीं हो गए। कितने लोग हैं? एक ही छुए। अटैक कितने लोग करे? 3 जने का अटैक करे। बच्चे की किडनी थोड़ी कट गई और कलेजी भी थोड़ी, लीवर भी कट गया थोड़ा, कौन है इसकी ये चीज़ के जिम्मेदार? फीचर कैसा होगा आप लोग बोलो। अब कंडीशन सीरियस है, सीरियस कंडीशन है बच्चे का। क्या करते थे? बच्चा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है। नाम और एज क्या है? उमर नाम है उनका, 20 साल का है बच्चा मेरा। 20 साल का है। और मारने वाले दूसरे? 25 साल का है वो बच्चा जो मारे। जी हो। कितने लोग मारे बोले आप? 3 जने हावी हुए हमारे ऊपर, पीएस से बालापुर पीएस से हमारी रिक्वेस्ट है कि आके देखिए बोलो यहाँ पर पुलिस वालों, कोई भी आ रहे नहीं, कोई सेक्शन ही नहीं ले रहे, कुछ भी बोल रहे नहीं कर रहे नहीं, मेरे को इंसाफ होना है बच्चे का। अल्लाह बरकत। हाँ जी, मैं उमर की खाला बात कर रही।
ये बच्चे के ऊपर बेकसूर मस्जिद में से आ रहा था, इसके ऊपर अटैक करे और कोई एक्शन मतलब नहीं लिए भाई हमारा कमिश्नर ऑफिस। ये बालापुर पीएस से रिक्वेस्ट है कि आके कोई एक्शन लिए, मतलब यहाँ जिसके ऊपर हुआ इसके पूरा फीचर ख़राब होगा, उसकी किडनी डैमेज हो गई, लीवर डैमेज होगा थोड़ा, तो इसके कौन है जिम्मेदारी है? बच्चे का फ्यूचर कैसा होना, स्टूडेंट बच्चा है ये, केसीआर के स्कूल में पढ़ता बच्चा, हालांकि रहता भी नहीं घर में, ये एग्ज़ाम ख़त्म हुआ दूसरे दिन ही थी ये हादसा हुआ बच्चे के साथ, और उन्हें बेकसूर है, लड़ाई छोटे भाई से भी, मार को मार मारना था भाई, अगर हमारा बच्चा मारा भाई तो एक चार मारा तो उसको आठ मारना था, पर वो बेकसूर के ऊपर लगा आते आते वार करे। ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है कमिश्नर पुलिस क्या है जो बालापुर पुलिस से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों उसको कड़क वो दियो, उनको सजा दियो, हमारे को इंसाफ दिलाओ, बस इंसाफ होना हमारे को ज़रूरी है, इंसाफ होने के लिए।